देव उठनी 11 से। देव उठते ही सारे मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। सोमवार को देव उठनी 11 के पावन अवसर पर इंदौर के पंचकुइया राम मंदिर परिसर पर साक्षी सेवा समिति के तत्वाधान में सर्वधर्म के 11 युगलों का निःशुल्क सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। आयोजन में साक्षी सेवा समिति की महिला सदस्यों ने ही पूरी बागडोर संभाली। 11 युगलों में अधिकांश युवतियां ऐसी थी जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया था। साक्षी सेवा समिति की संयोजक सीमा सेन ने बताया कि 11 जोड़ों के सामूहिक विवाह करने का प्रण उन्होंने उसी समय ले लिया था जब लॉकडाउन में उन्हें विवाह योग्य ऐसी युवतियां दिखी जिनके माता पिता दोनों का देहांत कोरोना महामारी से हो गया था। निराश एवं हताश परिवार को देखकर उन्होंने जो प्रण लिया वह आज पूरा हुआ। संपूर्ण आयोजन महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी महाराज के विशेष सानिध्य में संपन्न हुआ। इसके पूर्व दुल्हों को घोड़ी पर एवं दुल्हनियों को बग्गियों में बैठाकर संत महात्माओं के सानिध्य में विवाह स्थल तक लाया गया। आयोजन में लायंस क्लब एवं रोटरी क्लब के सदस्यों ने उपस्थित होकर आयोजकों एवं आगंतुकों का उत्साह वर्धन किया। इंदौर के लायंस क्लब सनशाइन एवं रोटरी क्लब ऑफ इंदौर मेघदूत ने साक्षी सेवा समिति को सामाजिक कार्यकर्ता रोटेरियन लॉयंस साधना सिंह की स्मृति में 11 युगलों की शादी में मदद की। आपको बता दें कि क्लब की पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय साधना सिंह भी इसी समिति से जुड़ी थी। उनकी स्मृति में सभी कन्याओं को एक एक थाली सेट एवं सहयोग राशि प्रदान की गई। इस दौरान साक्षी सेवा समिति द्वारा युगलों को गृहस्थी के सामान के साथ युवतियों को 11,000 की FD भी प्रदान की गई। इस अवसर पर रोटेरियन घनश्याम सिंह, सर्वप्रिय बंसल, रजनीश जायसवाल, श्रीमती विनय गुप्ता, बबली जायसवाल, लायन मधु व्यास, आश्मा मल्होत्रा, शालिनी गुप्ता, इंदु वर्मा, सीमा सेन, अर्चना बुंदेला, ममता शास्त्री, डिंपल शर्मा, अशोक चौहान पीठमपुर मुख्य रूप से उपस्थित थे। और इन्होंने एक आह्वान किया था कि 11 कन्याओं का, जो ऐसी कन्याएं जो कोरोना में जिनके माता पिता शांत हो गए हैं, ऐसी कन्याएं हैं जिसमें मुखबधिर कन्याएं भी कुछ हैं जिनका विवाह का संकल्प लिया था। तो संकल्प में मैं साधना सिंह हमारी पत्नी जिनका देहांत 1 मई को इसी वर्ष हो गया कोरोना की वजह से, उनके स्मृति में और चूँकि वो साधना के साथ में सीमा सेन ने काफ़ी काम किए हैं और सीमा सेन को हमेशा सहयोग करती रही हैं, इस वजह से मुझे यहाँ आवश्यक रूप से जुड़ना था, जिसमें हमारे साथ में रोटरी क्लब ऑफ इंदौर मेघदूत से भी लोग आए और लायंस क्लब ऑफ इंदौर सनशाइन जिसकी स्थापना हमारी साधना सिंह हमारी पत्नी ने ही करवाया था। तो इसके माध्यम से हम लोग जितनी भी कन्याएं हैं उनको कुछ ना कुछ सहयोग रूप में कर रहे हैं और एक राशि भी दी जिससे कि ये विवाह संपन्न हो सका और इसमें हमारा आगे भी सीमा सेन को हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। और इस तरीके से जो ये सामूहिक प्रयास से जो समाज में जो एक नई चेतना डालने का जो काम किया जा रहा है, इसके लिए मैं सीमा सेन और उनकी संस्था साक्षी सेवा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समिति द्वारा आयोजन जो किया जा रहा है उसमें सामूहिक विवाह में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पे हम लोग एक कन्या के हिसाब से हम लोगों ने साधना सिंह जी की स्मृति में अपना 11,000 दान किए हैं और 1100 11,000
तो एक कन्या के में जितना खर्च हो रहा है वो दिया है, और वो हमारी साधना सिंह जी जो थी वो पूर्व अध्यक्ष थी तो उनकी स्मृति में, और वो इस संस्था से बहुत जुड़ी हुई थी तो इसी वजह से हम लोग भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और अनाथ कन्याओं का विवाह हो रहा है तो इसमें हम लोग सम्मिलित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसमें हम लोग रोटरी क्लब की तरफ से भी आए हैं, रोटरी मेघदूत की तरफ से भी घनश्याम भैया के साथ वो भी, और हम भी रोटरी क्लब के भी अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, तो इसलिए दोनों संस्थाओं की तरफ से हम लोगों ने, मेरा नाम विनय गुप्ता, मैं लॉयन क्लब सनशाइन की अध्यक्ष हूँ। साक्षी सेवा समिति द्वारा पचकुया में ये सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। सभी ग्रुपों ने मिलकर ये सामूहिक विवाह का आयोजन किया है। घनश्याम जी, रोटरी क्लब, मेरी सहेली, सखी सहेली, सभी ग्रुपों ने मिलकर यह भव्य आयोजन किया है और बहुत अच्छा आयोजन है। हम सब लोग जो हमसे सहयोग बन पड़ रहा है कर रहे हैं, और आप सभी का जो यहाँ पे उपस्थित है सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन को करवाने के लिए। आपका नाम बताओ। मेरा नाम डिंपल शर्मा, मेरी सहेली मित्र मंडल सीमा ओझा पायल शर्मा। बहुत ही मंगल कार्य सम्पन्न होने जा रहा है साक्षी सेवा समिति की अध्यक्षा श्रीमती सीमा सेन मैडम के द्वारा, और इनके द्वारा जो कारवा चला गया और लोग जुड़ते ही चले गए, और दिन पर दिन ही साक्षी सेवा समिति और बढ़ती जा रही है। और ये शुभ कार्य इस वजह से हो रहा है कि इन्होंने एक मन में निर्णय लिया कि कोविड सेकेंड वेव में कई बच्चियों के माता पिता जो कोविड में चले गए, तो क्यों ना ऐसे शादी लायक बच्चे जिनकी शादी नहीं हो पा रही है माता पिता के चले जाने की वजह से, तो उनकी शादी करने का जिम्मा सीमा जी ने उठाया है। और जैसे इनके मन में ये निर्णय लिया इन्होंने, तो सारे लोग इनसे जुड़ते चले गए कि इस मंगल कार्य में, शुभ कार्य में क्यों न सीमा जी के साथ हम भी हो लें। इस बहाने इससे अच्छी समाज सेवा कुछ हो नहीं सकती है। और उन बच्चियों का न केवल विवाह संपन्न करवाया जा रहा है यहाँ पे, बल्कि विवाह से संबंधित सारी जो रस्में हैं।